आपने मुझे बुलाया पिताजी? मुझे लग रहा है कि अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है राम, इसलिए मरने से पहले तुम्हें एक जिम्मेदारी देकर जाना चाहता हूँ। कैसी जिम्मेदारी? लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब कोई रास्ता ना बचे तब ही मेरे इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना, ठीक है? मरने से पहले मैंने सोचा था कि अपने छोटे बेटे को कर्मठ बना दूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं पाया। पिताजी तो मरने से पहले भी मुझे ताना देना नहीं छोड़ रहे हैं। सुनो सुनो बच्चे, जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम दोनों की कुंडली बनवाई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि भविष्य में तुम दोनों में से किसी एक को गुप्त धन मिलेगा और उसके बाद। मामा, वो गुप्त धन अगर एक बार मेरे हाथ लग जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। क्या जी, आपका काम पर जाने का समय नहीं हुआ क्या? अरे भगवान, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। क्या कर रहे हो श्याम, तुम सिर्फ खाते हो पीते हो और सोते हो, काम धंधा कब करोगे? इतना आलस क्यों है? क्या भैया, सुबह सुबह आप भी शुरू हो गए हैं। तुम बस सोते ही रहो। कहाँ? ये तो बेवकूफ लोग किया करते हैं। ज्योतिषी ने पिताजी से क्या कहा था, भूल गई क्या? मेरे भाग्य में गुप्त धन मिलने का योग है। आप इसी उम्मीद में रहिए, इधर घर में दाल चावल सब कुछ खत्म हो रहा है। अच्छा सुनो ना, तुम एक काम करो ना भाग्यवान, तुम भाभी के पास जाकर कुछ पैसे मांग कर ले आओ ना। दीदी आप घर पर हो? क्या हुआ, लगता है फिर से पैसे चाहिए? मैं पूछती हूँ आखिर श्याम कब काम करके घर में पैसे लाएगा? हैं? अभी तो ये पैसे ले लो, लेकिन दोबारा फिर से मांगने मत आ जाना, बता रही हूँ। कितने सारे सोने के सिक्के हैं, मिल गया, गुप्त धन मिल गया। क्या है? ये क्या है? मैंने सुना है कि सुबह का सपना सच होता है। भाग्यवान, उठो। अरे उठो भाग्यवान। क्या हुआ? मुझे बहुत सारे सिक्कों से भरा हुआ मटका मिला है। बहुत सारे सिक्के थे। हाँ, कुछ भी बोल रहे हो, धत्तरी की। उसके बाद श्याम गुप्त धन के सपने देखते हुए ही दिन गुजारने लगा, और दूसरी तरफ राम मेहनत करके अच्छा रोजगार करने लगा। राम की पत्नी कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती थी और उसकी खुशबू से अगर आप एक गुप्त धन मिलने की उम्मीद में इस तरह दिन ना गिनते और भैया की तरह मेहनत करके पैसे लाते तो हम लोग भी अच्छा खाना खा पाते ना। हम लोग भी तो भैया के पास जाकर खाना खा ही सकते ना। इसका मतलब आप काम करके पैसे कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, यही ना? ठीक है फिर, मैं आज ही अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं काम पर जाता हूँ। आ तो गया हूँ लेकिन मुझे तो कोई काम ही नहीं आता। एक बार मैं वहाँ जाता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। ए, सब जल्दी जल्दी काम करो। अरे तुम तो रतन चाचा के बेटे हो ना? जी हाँ। ओ भैया, मैं क्या कह रहा था कि कोई काम है क्या आपके पास? तुम काम करोगे? भूत के मुंह से राम नाम। ठीक है फिर, काम पर लग जाओ, देखता हूँ कैसे काम करते हो। तेरी श्याम, काम करने के बजाय सो रहे हो, काम से निकाल दूंगा। मुंह संभाल कर बात करो, आखिर काम करना ही कौन चाहता है? वो तो मेरी पत्नी ने कहा था, इसीलिए मैं आ गया। भैया, मैं अब आपके भाई को सुधार नहीं पा रही,
एक काम भी मिला था वो भी उन्होंने छोड़ दिया। ना, ये भाई तो सुधरने वाला बिल्कुल नहीं है। अब लगता है मुझे पिताजी के ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का समय आ गया है। तुम चिंता मत करो, बस जाकर भाई को ये बात कह दो कि बोलो, ये बात तुम उसे जाके कह दोगी ना? बिल्कुल बता दूंगी भैया, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। एजी, एजी सुन रहे हो? अब सोने भी नहीं दोगी क्या? मुझे क्या रात में भी काम पर जाना पड़ेगा? अरे बाबा, गुप्त धन जी, गुप्त धन। आपके भैया को गुप्त धन का पता चल गया है। ये बात पता है आपको? आप बस यहाँ बैठे बैठे हाथ मिलाते रहिए। क्या, ये नहीं हो सकता। कहाँ है वो गुप्त धन? वही उस खेल के मैदान में। मैंने सुना है कि गुप्त धन वहीं पर दबा हुआ है। अच्छा, तब तो आज रात में ही मुझे वहाँ जाना होगा, वो भी भैया के पहुँचने से पहले। हाँ, आज ही जाऊँगा। ये तो किसी सख्त चीज से कुदाल टकराई है। अरे वाह, ये तो बहुत भारी है। जरूर जरूर इसमें से कई होंगे। अरे अरे अरे, ये क्या है? भाग्यवान, ये देखो, मुझे ये गुप्त धन मिल गया है। मुझे मिल गया है ये गुप्त धन। हाँ, यकीन नहीं होता कि ये गुप्त धन मुझे मिल गया। लेकिन इसे 7 दिनों से पहले खोल नहीं सकते। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अरे वाह भाई, तुम्हें तो एक बार में ढेर सारे सिक्के मिल गए। सही कहा, 7 दिनों के बाद मैं उस सोने के सिक्के वाले के मटके का ढक्कन खोलूंगा। आ जाना, सब आ जाना। छोड़ के आप दिन रात घर में क्यों बैठे हो, बताइए जरा? अभी भी काम है? अरे भगवान, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार। एक मटका सिक्के से भरा हुआ क्या कम होता है? हाँ, उससे मैं क्या क्या खरीद लूंगा। उससे क्या क्या खरीदूंगा, उसकी एक सूची बनानी होगी। हाँ, और सबसे पहले एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, वहाँ पर 2 नौकर रखूंगा। ताजा ताजा मछली है क्या बोला? बड़ी दो या छोटी? इतना कौन सी बड़ी बात है, दोनों ही दे दो। अरे पैसों की चिंता मत करो, तुमने सुना नहीं है क्या? मुझे सिक्के का मटका मिला है, सारे पैसे सूद समेत चुका दूंगा। हाँ। आ जाओ सभी। आज ही तो इस मटके को खोलने का दिन है। अरे भैया, मैं मटका खोलने वाला हूँ, ये बात सुनकर आप तो बिल्कुल सही समय पर आ गए। आप मेरे पैसे चुका दीजिए मालिक, बहुत दिनों से आप उधार में मुझसे मछलियाँ लेकर आते रहे हैं। अरे बाबा, सब मिल जाएगा, पहले इसे खोलने तो दो। श्याम के मटके से ढक्कन हटाते ही उसमें से एक मेढक उछल के बाहर आ जाता है, और मटके में सिक्के का तो कोई नामो निशान तक नहीं था, बल्कि उसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए। ये क्या, इसमें मेंढक और कंकड़ के पत्थर भरे हुए हैं, अब पैसों का क्या होगा? बहुत बड़ी बड़ी बातें करके हम लोगों को यहाँ बुलाया था, कहाँ गया वो साहब? मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा मालिक, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। पैसे ना देने पर कौन आपको बचाता है, आज मैं भी देखता हूँ मालिक। ए, मेरे भाई को छोड़ दो, मैं इसके बदले सभी के पैसे चुका दूंगा। आप सभी जाओ, ठीक है? जाओ। भैया, आज तो आपने मुझे बचा ही लिया, वरना आज पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे ये उपाय पिताजी ने मरने से पहले बताया था, उन्होंने मुझे एक दिन शाम को ये उपाय बताया था। मैं तुम लोगों के सामने गुप्त धन के बारे में कुछ बताऊंगा। गुप्त धन की लालच में श्याम बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेगा। खोजबीन करने के बाद भी जब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर ठीक उसका काम करने में मन लग जाएगा, समझे? आखिरकार मुझे मजबूर होकर तुम्हारी पत्नी को ये सब बताना पड़ा, और वो मटका खेल के मैदान में मैंने ही दबाया था। वो तो सब मैं समझ गया भैया, लेकिन ये 7 दिन का समय क्यों? मैं बस देख रहा था कि तुम्हारी लालच आखिर कितनी बढ़ सकती है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत करके हमें पैसे कमाने पड़ते हैं, बिना मेहनत के कोई भी गुप्त धन नहीं मिलता है, और इसके बाद से श्याम बहुत ही मन लगा के काम करने लगा, और आलस भरी जिंदगी छोड़कर वो काम के प्रति जिम्मेदार हो गया।